साथियों, भारत की भावी पीढ़ी कैसी होगी ये इस बात पर भी निर्भर करता है वो किससे प्रेरणा ले रही है। भारत की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा का हर स्रोत इसी धरती पर है। कहा जाता है कि हमारे देश भारत का नाम जिस बालक भारत के नाम पर पड़ा वो सिंहों और दानवों तक संहार करके थकते नहीं थे। हम आज भी धर्म और भक्ति की बात करते हैं तो भक्तराज प्रहलाद को याद करते हैं। हम धैर्य और विवेक की बात करते हैं तो बालक ध्रुव का उदाहरण देते हैं। हम मृत्यु के देवता यमराज को भी अपने तप से प्रभावित कर लेने वाले नचिकेता को भी नमन करते हैं, जिस नेत्री नचिकेता ने बाल्यकाल में यमराज को पूछा था, व्हाट इज डेथ, मृत्यु क्या होता है। हम बाल राम के ज्ञान से लेकर उनके शौर्य तक, वशिष्ठ के आश्रम से लेकर विश्वामित्र के आश्रम तक, उनके जीवन में हम पग पग पर आदर्श देखते हैं। प्रभु राम के बेटे लवकुश की कहानी भी हर मां अपने बच्चों को सुनाती है। श्री कृष्ण भी हमें जब याद आते हैं तो सबसे पहले कान्हा की वो छवि याद आती है जिनकी वंशी में प्रेम के स्वर भी है और वो बड़े बड़े राक्षसों का संहार भी करते हैं। उस पौराणिक युग से लेकर आधुनिक काल तक वीर बालक बालिकाएं भारत की परंपरा का प्रतिबिंब रहे हैं। लेकिन साथियों, आज एक सच्चाई भी मैं देश के सामने दोहराना चाहता हूं। साहबजादों ने इतना बड़ा बलिदान और त्याग किया, अपना जीवन न्योछावर कर दिया, लेकिन आज की पीढ़ी के बच्चों को पूछेंगे तो उनमें से ज्यादातर को उनके बारे में पता ही नहीं है। दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि इतनी बड़ी शौर्य गाथा को इस तरह भुला दिया जाए। मैं आज के इस पावन दिन इस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि पहले हमारे यहां क्यों वीर बाल दिवस का विचार तक नहीं आया, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम नया भारत दशकों पहले हुई एक पुरानी भूल को सुधार रहा है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से होती है। हमने इतिहास में देखा है जब किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है। और ये मूल्य सुरक्षित तब रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अपने अतीत के आदर्श स्पष्ट होते हैं। युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा रोल मॉडल्स की जरूरत होती है। युवा पीढ़ी को सीखने और प्रेरणा लेने के लिए महान व्यक्तित्व वाले नायक नायिकाओं की जरूरत होती है। और इसलिए ही हम श्री राम के आदर्शों में भी आस्था रखते हैं। हम भगवान गौतम बुद्ध और भगवान महावीर से प्रेरणा पाते हैं। हम गुरु नानक देव जी की वाणी को जीने का प्रयास करते हैं। हम महाराणा प्रताप और छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जैसे वीरों के बारे में भी पढ़ते हैं। इसलिए ही हम विभिन्न जयंतियां मनाते हैं। सैकड़ों हजारों वर्ष पुरानी घटनाओं पर भी पर्वों का आयोजन करते हैं। हमारे पूर्वजों ने समाज की जरूरत को समझा था और भारत को एक ऐसे देश के रूप में गढ़ा जिसकी संस्कृति पर्व और मान्यताओं से जुड़ी है। आने वाली पीढ़ियों के लिए यही जिम्मेदारी हमारी भी है। हमें भी उस चिंतन और चेतना को
चिरंतर बनाना है, हमें अपने वैचारिक प्रवाह को अक्षुण्ण रखना है। इसलिए आजादी के अमृत महोत्सव में देश स्वाधीनता संग्राम के इतिहास को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास कर रहा है। हमारे स्वाधीनता सेनानियों के, वीरांगनाओं के, आदिवासी समाज के योगदान को जन जन तक पहुंचाने के लिए हम सब काम कर रहे हैं। वीर बाल दिवस जैसी पुण्यतिथि इस दिशा में प्रभावी प्रकाश स्तंभ की भूमिका निभाएगी।